स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इन दिनों छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव चल रहा है और पहले चरण का मतदान जो है 7 तारीख यानी कि परसों को होना है। इस चुनावी दौर में एक बड़ा भयंकर राजनीतिक समीकरण या ये कहें कि राजनीतिक उठापटक चल रही है और इस उठापटक के बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियों में एक वार छिड़ा हुआ है एक दूसरे पर आरोप लगाने का। इस आरोपों के इस दौर में एक सबसे बड़ा नाम या सबसे बड़ी चीज जो है एक मुद्दा बनी हुई दोनों पार्टियों के लिए, वो है महादेव सट्टा ऐप। महादेव सट्टा ऐप एक वो ऐप है जिसके जरिए करोड़ों रुपए का सट्टा भिलाई के कुछ युवक दुबई में बैठ करके खिला रहे हैं और उस सट्टे का पैसा जो है छत्तीसगढ़ में पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सट्टे के जो आरोपी हैं या सट्टे के जो कारोबार चलाने वाले हैं, ऐप चलाने वाले हैं, उनका संबंध बीजेपी के लोगों से, और बीजेपी का आरोप है कि सट्टे से जुड़े हुए लोग कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। इसी सब आरोपों के दौर के बीच आज भाजपा के केंद्रीय मीडिया संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो जो है शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति का है जो कि अपने आप को सट्टे का, महादेव ऐप सट्टे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जबकि अभी तक जो लोगों को जानकारी है वो ये है कि महादेव सट्टे का ऐप रवि उप्पल और सौरभ चंद्रावकर नाम के दो युवक चला रहे हैं जो कि जिनका सीधा संबंध भिलाई से है। अब जो वीडियो जारी किया गया उसमें बड़ी चौंकाने वाली बात है। उस वीडियो में जो आरोपी है शुभम सोनी, वो ये कह रहा है कि उसने, वो सीएम साहब का नाम ले रहा है, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल उनका नाम ले रहा है और रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल का भी वो नाम ले रहा है और वो जिस तरीके से बातें कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है। इन आरोपों में कितनी सत्यता है, वीडियो कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि उस वीडियो में कई जगह कट दिखाई देते हैं जिससे बीच बीच में उसमें एडिट किया गया हो, काटा गया हो, और जिस तरीके से वो बोल रहा है आरोपी वो भी तमाम तरह के संदेह के घेरे में है। अब सबसे पहले आप देखिए कि उस वीडियो में आरोपी क्या बातें कर रहा है और किन किन लोगों पर आरोप लगा रहा है और इन आरोपों से किसको राजनीतिक फायदा मिल सकता है। चूंकि ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है इसलिए तीरंदाज इसकी सत्यता या प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं करता है। आप देखिए पूरा वीडियो जो कि बीजेपी ने जारी किया है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा पास आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ, ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था, ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे मेरे, मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा, तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की, फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद
ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए, अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ, फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ, फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया, जैसा कि मैं मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से, तो दो लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा जैसा सीएम साहब बोले थे, सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ दो लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ यहाँ, अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं, बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए, ये गलत बात है ना, इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे, हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया, वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए, हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुँह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर, उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है।
उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूँ मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे भगेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टरबेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ ये सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है, अब ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस प्रूफ हर चीज़ एक एक चीज़ पड़ा हुआ है, तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापिस, मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापिस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार।